क्राइम शो क्रिमिनल्स में सबसे पहले बात अशोकनगर की, जहां के चंदेरी में एक बीजेपी नेता को फोन पर दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 8 लाख रुपए की मांग की गई। बीजेपी नेता ने चंदेरी थाने में पहुंचकर शिकायत कराई। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि अज्ञात नंबर से उन्हें फोन पर दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी गई और उनसे 8 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने पहले तो शिकायत नहीं की, लेकिन उनके पास दोबारा फोन आया और कहा गया कि उनके पास महिला के साथ वीडियो है, यदि 8 लाख रुपए नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात युवक और युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। मामला कायम हुआ है, उसमें किसी एक महिला और एक पुरुष ने दो अलग अलग नंबरों से फरियादी को फोन करके पैसों की डिमांड की है, और अगर पैसों की डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो उसके खिलाफ झूठा 376 का अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए जो है। ऐसे मौके कम आते हैं जब गलत काम करने पर पुलिस वालों पर उंगली उठती हो, उन पुलिस वालों पर जिनके जिम्मे होता है अपराध पर नकेल कसना। खबर जबलपुर से है, जहां एक थाना प्रभारी ने शराब के नशे में आधी रात को हंगामा किया और लोगों के मना करने पर कारों के कांच भी तोड़ डाले। मामला गौर थाना चौकी के तहत आने वाली एक सोसाइटी का है, जहां के थाना प्रभारी ने आधी रात को जमकर हंगामा किया। इस घटना के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है, उन्होंने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस मामले पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराबी थानेदार को आईजी ने सस्पेंड कर दिया। टीआई संजय भलावी ने शराब के नशे में गाड़ियों के कांच तोड़ दिए थे और लोगों पर थानेदार होने की धौंस जमा रहा था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखा था, जिसके बाद शराबी टीआई पर कार्रवाई हुई। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ से वो बच नहीं सकता। जी हां, इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने 20 लाख की चोरी का खुलासा किया। पुलिस आखिरकार करीब 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद चोरी के आरोपियों तक पहुंच पाई और उनको गिरफ्तार किया। बताया गया है कि आरोपी लग्जरी लाइफ जीने के लिए चोरी करते थे। चोरों ने रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर के घर चोरी की थी और लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया था। करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, इसमें मतलब 10-12 लोगों की टीम थी और हमने कांस्टेंट मॉनिटरिंग की थी। चुनाव के बाद से हम लोग इसमें लगे हुए थे और उस फुटेज के बेसिस पे हमने उनको खंगाला था। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है। अब बात इंदौर की, जहां तेजाजी नगर थाना पुलिस ने धार के टांडा इलाके में दबिश दी। दबिश देने वाली टीम में 4 थानों और लाइन के 50 पुलिसकर्मी शामिल हुए। 6 हिस्ट्री शीटर और बदमाशों को बाघ टांडा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आर्म्स, एमिनेशन और नाइट विजन के साथ ही दबिश दी थी। आरोपियों से 7 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल, चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई। सभी आरोपी सालों से फरार चल रहे थे। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। हमें कुल 6 आरोपी हमने राउंड अप किए, जिसमें एक आरोपी पे 10,000 रुपये का इनाम पूर्व में हमारे जोन से घोषित किया गया था, वह भी हमारी गिरफ्त में आया। इसके अलावा जो अन्य 5 आरोपी हैं, वह भी हमारे जोन के अंदर विभिन्न चोरियों के अंदर सम्मिलित हैं और सभी के सभी हिस्ट्री शीटर हैं। तो कुल मिलाकर हमने सभी फरार और वॉन्टेड हिस्ट्री शीटर 6 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। इसके साथ साथ हमें कुल 7 मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की। इसके अलावा 9 मोबाइल फोन भी हमने उनसे जब्त किए और चांदी के आभूषण, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये चांदी के आभूषण भी हमने उनसे प्राप्त किए हैं। ग्वालियर पुलिस ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले से सोने की चेन छीनने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाइक सवार 2 लुटेरों को दबोचकर लूटी गई सोने की चेन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। आपको बता दें कि बलवंत नगर की महिला मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही थी, तभी पटेल नगर में पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और भाग निकले।
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुंदर रायकवाड़ को दतिया से गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को भी पकड़ा गया। दोनों के पास से लूट की चेन बरामद की गई है। गिरफ्तार लेते हुए चूंकि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास में ही पटेल नगर है, तो गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें टीम बनाई गई थी और विश्वविद्यालय थाने और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और इस टीम ने लगातार विवेचना कर इसमें सफलता प्राप्त करी। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दोनों दतिया के हैं। सीहोर पुलिस ने एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 सदस्यीय अंतर्राज्यीय चोर गिरोह देश के महानगरों में लगे बैंक एटीएम को तोड़कर रुपए लूटकर फरार हो जाते थे। आरोपियों से एक डंपर, दुकान, मोबाइल, वाईफाई, कैमरा, डोंगल सहित करीब 60 लाख का चोरी का सामान जब्त किया गया है। इनकी टीम 3 हिस्सों में काम करती है। एक टीम जो डंपर है उसको चुराने का काम करती है, एक टीम उसके आगे पीछे गाड़ियां लगा के एस्कॉर्ट करते हैं जिसमें कि वो आगे का सूचना देते रहते हैं कि कहाँ सुरक्षित है कहाँ नहीं है और उसको ले जाके नूह में छुपा देते हैं। तो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का ये खुलासा हुआ है और 5 लोगों को पकड़ा गया है। कई सारा सामान भी इनसे बरामद, साथ ही साथ पूछताछ भी पूरे मामले में जारी है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप का एक मामला सामने आया जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के कुख्यात बदमाश शुभम रजक ने पहले तो नाबालिग को उसके घर के सामने से जबरन कार में बिठाया, फिर घर से दूर ले जाकर कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके दो साथियों जीतू चौधरी और आशीष ने भी रेप किया। वारदात के बाद आरोपी युवक नाबालिग को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शुभम और उसके दोस्तों की सर्चिंग शुरू की, तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। मामला थाना तिलवारा क्षेत्र का है जिसमें एक नाबालिग बच्ची को उसके परिचित शुभम रजक नाम के लड़के ने बुला करके अपने बुलेरो गाड़ी में बहला फुसला कर ले गया। उसके साथ उसके दो साथी भी थे। फिर दो साथी लोगों को वॉच करने लगे और रास्ते में उतर गए और वहीं सुनसान जगह पर ले जा करके गाड़ी के अंदर ही शुभम रजक ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। इसमें अपहरण करने की धाराएँ 376 पॉक्सो एक्ट और SC ST एक्ट की धाराएँ लगाई गई हैं। गैंगरेप की धारा इसमें शामिल है क्योंकि दो अन्य सहयोगी भी इसमें शामिल थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दोनों टेक्स्ट्रा कंपनी कपड़ा कंपनी के ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक ही समाज के हैं। युवक नेवाड़ी का था, युवती टीकमगढ़ जिले की थी, जो एक साथ रहते थे। युवक ने पहले अपने करीबी लोगों को आत्महत्या करने की जानकारी दी, फिर गंजबासुदा की और जाने वाली रेल की पटरी पर युवती सहित आत्महत्या कर ली। ये भुजबल नाम का लड़का है और विनीता नाम की लड़की है। ये दोनों जो हैं रेल दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। लड़का निवाड़ी जिले का रहने वाला, लड़की टीकमगढ़ जिले की रहने वाली है। ये लोग यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और बंटी नगर में किराए से निवास कर रहे थे। मर कायम कर लिया गया है, जांच की जा रही है मामले में। और अब बात करेंगे ग्वालियर के, जहां गोले का मंदिर इलाके में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करने वाले शातर बदमाश भोला को दबोचने में पुलिस को कामयाबी मिली। बिजौली थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी भोला गुर्जर को पकड़ लिया। भोला पर लूट, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार की तस्करी जैसे 15 संगीन मामले दर्ज हैं। भोला हथियार के साथ रील्स बनाता था, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर पुलिस को खुली चुनौती भी देता था। हाल ही में उसने गोला का मंदिर इलाके में गोलीबारी की थी। पुलिस ने करीब 15 दिन की मेहनत के बाद उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। वो
व्यक्ति का नाम भोला गुर्जर है और भोलू गुर्जर पारसिन का रहने वाला है। इसको आज हमने गिरफ्तार किया है। उसमें इसके पास से दो कट्टे बरामद हुए हैं, एक पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल के साथ में पिस्टल का एक 32 बोर का राउंड है और कट्टे के साथ में 15 राउंड है 315 बोर के। इसके अलावा जो है ये काफ़ी सारे आपराधिक मामले इसके सामने आए हैं। देवास में चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे पहले घरों की रेकी करते हैं, फिर रात में चोरी करते हैं। ताजा मामला न्यू देवास का है, जहां चोरों ने अयोध्या गए एक परिवार के घर को निशाना बनाया, ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए, जिनके आधार पर पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसमें जो फुटेज आए हैं जिसमें कि बाइकर्स दिख रहे हैं तीन, जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ है, और एक जगह चोरी की घटना सिविल लाइन क्षेत्र में और औद्योगिक थाना क्षेत्र में किया था। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए लगातार टीम लगी है, और जिसमें एक मोटरसाइकिल और उनके हुलिया के हिसाब से जो पुराने चोर हैं उनसे भी उसका मिलान किया जा रहा है। बाकी जो अन्य रूटीन की चेकिंग्स हैं वो लगातार रहती हैं, और सुबह बैंक चेकिंग। खबर शिवपुरी से है, जहाँ चोर बेखौफ हैं, घर में परिवार सोता रहता है और चोर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डालते हैं। पौरी कस्बे में एक घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलमारी और बक्से में रखे सोने चांदी के आभूषण और 35,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। जब परिवार सुबह उठा तो देखा कि उसके कमरे के ताले टूटे पड़े हैं। चोरों ने नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। उज्जैन में एक वकील और उसके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अब मामला उज्जैन शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मालीपुरा में माली मंदिर के सामने 56 वर्षीय वकील लोकेश वर्मा ने निजी कैबिन में आधा दर्जन बदमाश घुस गए, लोकेश वर्मा के साथ पिटाई की। इस दौरान चाकूबाजी हुई। बदमाशों के हमले में वकील लोकेश वर्मा का बेटा घायल हुआ। सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्र के दिदौद गांव के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की पत्थर पटक से पटक कर हत्या की गई। मृत युवक का नाम पवन कुशवाहा बताया जा रहा है। मृत युवक अपने घर से काम के लिए निकला था, फिर वापस नहीं लौटा। गांव के बाहर ही युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और FSL की टीम पहुंची और मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी। हरदा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। निकाह का वादा कर युवक रफीक 2 साल से दिव्यांग का शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता ने जब निकाह की बात की तो रफीक ने युवती को दिव्यांग कहकर इनकार कर दिया। पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रफीक के खिलाफ दिव्यांग महिला है, उसने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसने इसके साथ निकाह का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म किया और कई समय से उसका लगभग शोषण करता चला आ रहा था दुष्कर्म करते हुए। तो उसकी रिपोर्ट की मैंने और उसको कल ही गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। बुरहानपुर में पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 3 दिन पहले मासूम बच्ची का अपहरण किया था और उसके साथ रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। शव को खंडहर के पास फेंक दिया। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गौरतलब है कि घर के आंगन में खेल रही मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर आरोपी उसे घर ले गया था, वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए SP देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि दोषी को फांसी की सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। संदिग्ध से पूछताछ की, उस पूछताछ के आधार पर गौरव उर्फ खुशाल पिता रूपचंद कल नारायण उम्र 21 वर्ष निवासी प्रतापपुरा, जो कि उस मिलने वाले स्थान
और उस बच्ची के घर के बीच में ही एक जगह उसका मकान है। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की, बारीकी से पूछताछ करने पे उस दिनांक के उसके घटनाक्रम को समझा, उसकी चीज़ों को बताया, सारी चीज़ों पे उसने अपना जुर्म कबूल किया। रतलाम के आलोट में चिट्ठी भेजकर तीन तलाक देने का मामला सामने आया। आरोपी पति ने डाक से तीन चिट्ठियां भेजकर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया, जिसके खिलाफ पीड़ित महिला मुस्कान ने आलोट थाने में मामला दर्ज कराया। साल 2020 में रतलाम के रहने वाली मुस्कान की शादी उज्जैन के रहने वाले ईशान सतानिया से हुई थी। मुस्कान का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर वो मायके चली गई और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था। तभी से उसका पति तलाक देने की बात कर रहा है। मेरी शादी 2020 में घोसला निवासी ईशान सतानिया के साथ हुई थी। उसके बाद से ही, कुछ महीनों बाद से ही मेरे साथ दहेज के चीज़ों को लेकर मांग की जा रही, कहीं ऐसी की अलग घर में अलग अलग चीज़ों की। ये बात मुझे मेरे मायके वालों से कहने के लिए बोला, मेरे पापा की स्थिति ऐसी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हें MCI क्लियर करने के लिए 50 लाख रुपये मांगे। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी कहीं कार की, मेरे पापा ने दो वाहन दिया था, उन्होंने चार वाहन की मांग की। इस तरह से मेरे वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बावजूद मेरे पापा मुझे आए और वहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ 498 दर्ज कराई। उसके बाद अब जाकर इतने माह बाद आने के बाद उन्होंने तीन बार अलग अलग नोटिसों के जरिए मुझे तीन तलाक का आवेदन भेजा है। पति द्वारा तीन बार डाक द्वारा अलग अलग दिनांक को कागज भेजे गए थे, जो पीड़िता की सहमति के बिना थे, जिसके आधार पर पीड़िता के पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। मंदसौर की रहने वाली एक शादीशुदा दलित लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों ने राजस्थान निवासी शकील नाम के युवक पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। युवती पिछले 4 मई को बालागोड़ा गांव से लापता हुई थी। बलाई समाज के लोगों ने SP से मदद की गुहार लगाई। समाज के लोगों के मुताबिक हाल ही में हुए सामूहिक विवाह में युवती की शादी हुई। 4 मई को वो बालागुड़ा गांव में शादी समारोह में आई, जहां से राजस्थान के मोखमपुरा गांव का निवासी शकील उसे डरा धमका कर अपने साथ ले गया। SP ने जांच और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। खबर बिलासपुर से है, जहां युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से उसने युवती पर कई वार किए। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। ये वारदात सिविल थाना क्षेत्र के मंगला यादव कॉलोनी की है। दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद हुआ था, फिर हाथापाई हुई। प्रेमी ने प्रेमिका को धक्का दिया, उसका सिर दरवाजे से टकराया और वो गिर गई, जिसके बाद युवक ने युवती पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। रायपुर में शराबी पति ने अपनी पत्नी और बेटी को धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में बेटी और पत्नी खून से लथपथ लाश मिली। आवेश में आकर पत्नी और बेटी का गला रेता। पूरा मामला खरौरा थाना इलाके के घेवरा गांव का है। आपको बता दें कि इसने कुछ दिन पहले ही बड़ी बेटी की शादी की थी। वो दोनों बेटियों की एक साथ शादी करना चाहता था, लेकिन छोटी बेटी की शादी तय नहीं होने से वो नाराज चल रहा था और इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़े होते थे। आरोपी अपनी पत्नी और बेटी पर शक करने लगा था, जिसके बाद घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे और गुस्से में उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। खबर अंबिकापुर से है, जहां चैन स्नैचिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसने बुजुर्ग महिला को शिकार बनाया था। घर के पास जब महिला टहल रही थी तो उसकी चेन छीन ली, मौके से फरार हो गया। इस वारदात का CCTV भी सामने आया। पुलिस ने CCTV के आधार पर कार्रवाई की और लुटेरे को धर दबोचा। खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र के खोल गांव में कृषि उपकरण जैविक खाद और सोयाबीन कपास की फसल के बीच के नाम से करीब एक दर्जन से अधिक किसानों से करीब 5 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज ये मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने पहले खोल गांव के किसानों को
सस्ते में खाद देकर प्रलोभन दिया, फिर कृषि उपकरण और जैविक खाद बीज अनुदान पर दिलाने का लालच दिया। ठगी का शिकार हुए किसान एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की, मामले की जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। हमको बीज के और जैविक खाद के माध्यम से लोगों ने, अज्ञात लोग आए गाँव में और उन्होंने हमको आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद में उस समय पर वो खाद दे दिए। खाद देने के बाद में बीज के नाम से उन्होंने लगभग हमारे 12-14 किसान से करीब करीब 4-5 लाख की ठगी करके ले गए हैं। प्रथम दृष्टया इसमें फोर्जरी की धारा के तहत प्रकरण पाए जाने से थाना प्रभारी ऊन को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण पंजीबद्ध कर। खंडवा पुलिस ने चंदन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के ये सदस्य गूगल मैप से लोकेशन सर्च कर फिर चंदन के पेड़ की पहचान उसकी पत्तियों से करते थे। आधुनिक उपकरण लेकर मिनटों में पेड़ की कटाई कर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इस गैंग के अब तक 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खंडवा में 15 फरवरी को प्रधान जिला न्यायाधीश के बंगले और होमगार्ड ऑफिस कैंपस में से चोर यहां से चंदन का पेड़ काटकर ले गए। वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने औरंगाबाद के अजंता थाना क्षेत्र के घाटमबरी से आरोपी मसीद उर्फ मजीद और नदीम को गिरफ्तार किया। इससे पहले एक अपराधी जावेद को गिरफ्तार किया था। पुलिस को गैंग के कुछ अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। टेक्निकल जानकारी लेकर के पता किया तो ये चोर जो है महाराष्ट्र के निकले। एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार किया था जावेद को, उसके बाद में 2 आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं उनके साथीदारन को। पूर्व में इनसे पूछताछ पर इनका नाम आया था मेमोरेंडम में, उस आधार पर इनको महाराष्ट्र में जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।